हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं जीजी का सर्विस। आज के वीडियो में हम लोग ऐसा एक मार्केट जैसा एक एसी डीसी बल्ब बनाएंगे। इसको आप इन्वर्टर बल्ब भी बोल सकते हैं। मार्केट में जो बल्ब आता है काफी महंगा आता है, लेकिन आप इस बल्ब को काफी सस्ते उपाय से घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते शुरू। इस इन्वर्टर बल्ब को बनाने के लिए चाहिए एक खराब एलईडी बल्ब। यहाँ पे मैं 40 वाट का एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहे तो इससे छोटा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले डिफ्यूज़र को निकाल दीजिए और अंदर वाला जो सर्किट ड्राइवर है उसको भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे ड्राइवर निकल चुका है। इसी तरह से लाइट का भी शोल्डरिंग खोल के इसको भी निकाल लेंगे। हम लोग को इस सर्किट का ज़रूरत नहीं है, आगे इस लाइट का ज़रूरत होगा। अभी हम लोग दो वायर का टुकड़ा लेंगे और एलईडी के पीछे वायर को डाल के शोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ से डाल के पीछे की तरफ शोल्डरिंग कर देंगे। तो हम लोग का दो वायर भी शोल्डरिंग हो चुका है। अभी हम लोग को स्ट्रिप एलईडी चाहिए। ये 4 वोल्ट का स्ट्रिप एलईडी है। ये मुझे लोकल मार्केट में सिर्फ 10 रुपये का मिला है। अगर आप चाहें मैं ऑनलाइन लिंक डाल दूंगा, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। अभी हम लोग जो पुराना खराब एलईडी था उसको लेंगे, उसको उल्टा करके सभी एलईडी स्ट्रिप को ऐसे बिठा के सुपर ग्लू से चिपका देंगे। अभी हम लोग एलईडी का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सारे प्लस को प्लस प्लस करके सोल्डरिंग कर देंगे और सारे माइनस को माइनस माइनस करके सोल्डरिंग कर देंगे। एलईडी के ऊपर प्लस माइनस अच्छी तरह मार्किंग किया हुआ है, आप भी उसी तरह से सोल्डरिंग कर लीजिए। फिर से दो वायर का टुकड़ा लेंगे और एलईडी का माइनस प्लस निकाल लेंगे। यहाँ पे पीला वाला तार पॉजिटिव है और काला वाला तार नेगेटिव। तो तार को धीरे से पीछे की तरफ निकाल के इसको भी थोड़ा ग्लू डाल के चिपका देंगे। यहाँ पे हम लोग 2600 mAh का बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। ये आराम से 2-3 घंटा आपको बैकअप दे देगा। यहाँ पे हम लोग इस सर्किट का इस्तेमाल करेंगे। ये इन्वर्टर बल्ब सर्किट ये है। ये मुझे लोकल मार्केट में सिर्फ 50 रुपये का मिल गया था। आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। सारे चीज़ का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा रेट ज़्यादा है। ये दोनों तार AC इनपुट है। ये बैटरी में जाएगा प्लस माइनस और ये LED में। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AC इनपुट का तार को जोड़ेंगे, कुछ इस तरह से जोड़ के इसमें PVC टेप से टेपिंग कर देंगे। अभी हम लोग LED लाइट का कनेक्शन करेंगे। तो काला वाला तार माइनस है, इसको माइनस में जोड़ देंगे। उसके बाद टेपिंग कर देंगे। अभी हम लोग पीला वाला तार को प्लस के साथ जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ के टेपिंग कर देंगे। इसके बाद हम लोग बैटरी का भी कनेक्शन कर देंगे, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव लगा के इसको भी अच्छी तरह टेपिंग कर देंगे। तो सारा कनेक्शन रेडी हो चुका है। देखिए टच करने से LED ग्लो कर रहा है। देखिए अभी चलिए इसको पैकिंग करते हैं। अभी हम लोग डबल साइड टेप लेंगे और बैटरी और सर्किट को LED के पीछे चिपका देंगे। तो यहाँ पे बैटरी और सर्किट को मैंने चिपका दिया है। अभी LED लाइट को उल्टा करके डाल के इसको भी सुपर ग्लू से चिपका देंगे। अभी हम लोग ऊपर वाला डिफ्यूज़र को भी लगा के सुपर ग्लू से चिपका देंगे। तो देखिए कितना सुंदर टच करने से लाइट जल रहा है, कोई भी फेक वीडियो नहीं है ये। तो चलिए इसको होल्डर पे भी लगा के देखते हैं एक बार। तो देखिए कितना सुंदर रोशनी हो रहा है। मैंने कमरे का सारा लाइट ऑफ कर दिया हूँ, तभी भी कितना रोशनी हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन को प्रेस करके घंटी को भी बजा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।